अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद ड्रामा गप। आज मंगल की सुबह है, ट्यूसडे मॉर्निंग। हम दोनों बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि मंडे मॉर्निंग नहीं है। मंडे मॉर्निंग बहुत ज्यादा हलचल मच रही होती है और मंडे को हम नॉर्मली ड्रामा गप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हम तो उम्मीद है आप सब खुश हैं एंड सब थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है हर जगह। राबिया, आई कैन सी द स्वेटर ओवर देयर। कराची में सर्दी है, पर कराची पीपल, कराची में सर्दी है। व्हाट्स टेम्परेचर? 20 है? 20 वाली सर्दी है, 15 वाली सर्दी? नहीं नहीं, 17-15 पे जा रहा था और पिछले दिन तो 8 पे भी जा रहा था। फॉर अस दैट्स रियली कोल्ड। 8 इज वेरी कोल्ड। आई रिमेम्बर हीटर्स निकल आते थे जब 5 हो जाता था। अच्छा, मुझे तो घर से बहुत ज्यादा लेक्चर्स मिल रहे हैं। से कहा गया है, मेरे बेटे हैं, उन्होंने कहा कि आपको किताब पढ़नी है तो मैं किताब आपको भी रेकमेंड कर रही हूँ। उसका नाम है द 5 AM क्लब। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी, आई ऑर्डर्ड इट, इट्स कमिंग, बट बेसिकली ही सेज योर स्लीप रूटीन, योर वर्क रूटीन इज टोटली ऑफ। एंड अगर वो मैं कर लूँ वो किताब तो फिर फ्यूशिया बड़ा खुश हो जाएगा, बिकॉज फ्यूशिया एंड शाजिया का टाइम 4 घंटे का फर्क है। सो अकॉर्डिंग टू दैट बुक आई शुड स्टार्ट माई डे एट 5 AM। चलें करें, बिस्मिल्लाह करें भाई। ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, हम भी यही चाह रहे हैं। क्योंकि रात को टिंग 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 मेरा मोबाइल बज रहा होता है, मैं देखती रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है शाजिया के मैसेजेस अपनी चैट्स में आ रहे होंगे फॉर वेबसाइट। एंड मैं कहती हूँ मैं नहीं चेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसे सोने जा रही होती हूँ। I'll have to train everyone over there. By the way, बहुत ज्यादा ओमिक्रॉन फैला हुआ है, बहुत सारी लड़कियां हुआ वर्किंग फॉर अस फ्रॉम होम, उनको या तो किसी को हो गया है या खांसी जुकाम बहुत चल रही है, तो प्लीज अपना ख्याल रखें। If that's going on, okay. So we have 7 dramas today. We have Dil-e Momin, Mere Hamsafar, Ishq-e-Ilah, Qissa Mehrbano Ka, Sinfe-Ahan, Sang-e-Maa and Jo Bichhad Gaye. कौन से ड्रामे से आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है शाजिया? सो वी कैन स्टार्ट विद मेरे हमसफर और दिल मोमिन। मेरे हमसफर। ओके, सो मेरे हमसफर की कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं अब उसका काफी बिचारी का जो है ना, हमने देख लिया है कि कितना हालात के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, नजर आ गया है, हमें समझ आ गया है कि जुल्म हो रहा है हालात के ऊपर। सो आई वुड लाइक टू मूव अहेड, व्हाट अबाउट यू? हाँ, सो मेरी बात हो रही थी जो डायरेक्टर है कासिम, उनसे, तो उन्होंने कहा अभी हमजा के आने में आई थिंक 1 या 2 एपिसोड्स और हैं। तो हमजा जो है ना हमारे हीरो, उनकी ग्रैंड एंट्री होगी, उससे पहले वो बिल्कुल एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि हालात पे कितना जुल्म हो रहा है, यू नो, कि जब वो आए और जब वो हीरो बन के हाला को बचाएंगे तो हम सब बोले ये प्रिंस चार्मिंग आ गए, सो यू नो ऐसा कुछ होने वाला है। डू यू थिंक हानिया आमिर की परफॉर्मेंस एज हाला इज, यू नो, इज टचिंग यू, यू आर कन्विंस्ड, या तुम्हें लग रहा है कि हाला बहुत ज्यादा रो रही है? क्या किस साइड पे जा रही हो तुम? I would have liked to see, now that you are asking me, ro to nahi rahi hai bahut zyada, but I would have liked to see a spark in Hala that I'm not seeing. Main dekhna chahti thi ki jab wo pizza kha rahi hai aur jab usko daant pit rahi hai to wo keh to rahi hai ki mujhe nahi pata tha, but uske andar ek thoda sa spark hona chahiye, thoda sa matlab dat ke khadi hoti ki bhai main kya karu, isne mujhe diya tha, to wo mujhe nahi nazar aa raha, which is bringing it a little down for me. I want to see that. Aur bahut hi zyada miskeen dikhaya hai, but I think wo character nahi hai, wo hala mein kabhi nahi hai, wo character nahi hai. So aajkal ki wo jis tarah ki characters hamari heroines ke ho gaye na, ki wo strong, wo un pe zulm ho raha hota hai lekin wo andar se badi strong hoti hai. Hum jaise mehreen mein bhi hum dekh rahe the, to hala ka character fara shaziya, hum usse back pe ja rahe hain bilkul jaise pehle hote the na, kul hi dabki miskeen ladki hai, and I think wo yahi dikha rahe hain ki usko हालात ने मार मार के उसको जहनी तौर पे इतना वीक कर दिया, बिकॉज वो सिर्फ फिजिकली या इमोशनली, वो जहनी तौर पे भी मुझे लगता है काफी, यू नो, वो बहुत बहुत ही कमजोर लड़की दिखाई है। दादी इज अ वेरी, ये तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, मैं भी कल यही सोची थी, पर मुझे लगता है दादी इज अ वेरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, बट यू नो ज़हनी दबाव जैसे हो जाते हैं ना, बिकॉज वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। तो जब आप किसी, जब आप बहुत डाउन हो शाजिया, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी अपलिफ्ट करती है ना, लेकिन नेगेटिविटी, एंड शी कैन फिगर आउट कि दादी उसको बहुत जगह मैनिपुलेट भी करती है, जैसे बचपन में उन्होंने हाला के कंधे पे रख के अपनी बहू की बेइज्जती की, तो अभी भी बहुत जगह वो हाला के थ्रू अभी भी कह रही थी, शी वाज सेइंग कि ये सिर्फ मेरा काम कर सकती है, तो शी इज ऑल्सो यूजिंग हर, लेकिन वो ख्याल भी रखती हैं। मतलब वो जो एक पॉइंट था जब वो पैसे देने की बात आ रही थी, तो शी सेड कि उसके पास पैसे खत्म हो गए, तो वेल मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच एंड इट्स टू अर्ली, हाला थोड़ा सा अपने लिए भी यूज करे ना दादी को, वो भी तो जाके भाग के दादी से कहे ना कि दूसरी वाली भागी थी, रूमी भागी थी दादी के पास,
कि अम्मा मुझे मार रही है। मैं तुम्हें यही तो बता रही हूँ कि वो जो ओवरऑल जो सबका बिहेवियर है ना, उसको उसने उसको दबा दिया है। और फिर कहानी भी यही है कि एक दबी सहमी लड़की, देखो वो उस और वो क्योंकि हर तरफ से वो दबी हुई है तो वो एक्सपोज नहीं है। अब वो शफक का जो भाई है वो भी उसे कह रहा है, हालांकि वो सही कह रही है कि तुम मुझे बताने दो, और वो उसको पटा रहा और कह रहा है तुम उसको नहीं बताओ बहन को। बड़ा डेंजरस लग रहा है मुझे, और मुझे पता है क्या, आई वाज गेटिंग शेड्स ऑफ यकीन का सफर शुरू में जो सज्जल अली के साथ हुआ था। उसका कैरेक्टर का नाम नहीं है यहां पे, ये बुरा नहीं है, आई थिंक ही इज नॉट बैड, बट ही इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी कि इस पे इल्जाम आएगा, क्योंकि प्रोमो से और ओएसटी से भी हमने यही देखा है कि सास इस पे इल्जाम लगा रही होती है। सो लेट्स सी क्या होता है। दो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी इसमें, एक तो ये कि खानदान में अंदर ही ना दोनों जो भाई हैं उनकी बच्चियों के दरमियान भी नेगेटिविटी और लड़ाई, सो दैट मेक्स इट स्लाइटली अ डिफरेंट ड्रामा, क्योंकि वरना ऐसा होता है कि हीरोइन एक जगह है जो मासूम है और बाकी सब नेगेटिविटी का पोटला के सब एक साथ है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ समीन जो है उसकी भी अपनी ये जो दूसरी कजन है उसके साथ, रूमी नाम है क्या नाम है उसके साथ, उसकी लग रही है आपस में चल रहा है हाँ, उसकी भी उससे लग रही है, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा मुझे लगा चचा का जो चेंज दिखाया है, शुरू में भी इतना नहीं दिखा था, लेकिन अभी कल की एपिसोड अभी जो रीसेंट आई थी उसमें तो दो लेकिन अभी तो उसके साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से उसका उसको कंसोल कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, ही इज देयर विद हर, यू नो, सो आई लाइक दिस डेवलपमेंट। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मुझे लगती है कहीं कहीं, आई फील बहुत ज्यादा है। I was not liking it कि वो जो उनकी जो बीवी है वो जाके वो चप्पल उठा रही है तो वो उनको दे रही है। I didn't like that scene. I wish they hadn't shown it actually, because कुछ चीजें हमें नहीं दिखानी चाहिए, जैसे अब हमें थप्पड़ नहीं दिखानी चाहिए ना, just stop it, just stop showing the thappards in the same way, थोड़ी चीजें आप नहीं दिखाया करें, तो it just puts a bad for me. I don't like it, मुझे नहीं अच्छा लगता। But overall सही है, मैं थोड़ा forward करके देख लेती हूँ, I'm waiting कि आगे story किस तरह जाती है, क्या डेवलपमेंट है। It's one of those dramas, unfortunately, कि जब आप शुरू की दो तीन किस्तें आप इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, which should not happen, ऐसा नहीं होना चाहिए। Okay जी, okay. बाद आता है दिले मोमिन। दिले मोमिन जी, दिले मोमिन मैंने ऐसा खटखट कर देखे दोनों एपिसोड, पहले मैंने कहा नहीं सेकंड देख लो, मैंने कहा नहीं दोनों देख लो, तो मुझे ये बताओ कि मोमिन से जाके डायरेक्टली कोई क्यों नहीं पूछ रहा, Why can they not? Why is everyone saying कि नहीं वो मोमिन है, वो तो नहीं कर सकता, वो तो नहीं कर सकता। Why did it? पूछ लिया ना, सेकंड एपिसोड में तो पूछ लिया। उनमें नहीं, खाला ने नहीं पूछा और अम्मा ने नहीं पूछा, वो कोई वो दोनों तो आशी ने डायरेक्टली पूछा, आशी ने माँ के सामने पूछा उससे। हाँ, लेकिन वो क्यों नहीं जाके पूछ रही थी, मतलब okay, whatever Jameel is, I understand, लेकिन उसका जो इंटरेक्शन था माया के साथ और माया ने जिस तरह कहा और जो उन्होंने देखा, I felt ये जायज बनता है, और वो कोई गलत बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था आप जाके पूछें अपने बेटे से। तुम बाहर से देख रही हो, तुम थर्ड पार्टी हो, लेकिन यहाँ अगर तुम खाला और बीवी को दिखाओ तो वो तो बाहर से नहीं देख रही, उन्हें लग रहा है Jameel is already, was already against Momin, अभी फिर बिला वजह कोई उसने एक चीज देख ली है उसको, he is blowing it out of proportion, और वो मोमिन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं देख सकती कि हम ऊपर से क्या देख रहे हैं, वो तो उनका रिकॉर्ड भी तो देखो। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो खाला है ना, जो उसकी आशी की अम्मी है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा बैकफुट पे रही है, क्योंकि Jameel इतने बदतमीज रहे हैं हमेशा कि वो हमेशा अपोलोजेटिक ही रही हैं, तो वो अपनी बहन से उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाके कहें, और बहन का रिएक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग था, तो आई फील इट दैट इज ऑल्सो वाई वो रुक गई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एंड राबी आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट कि मोमिन तो चलो उसके इंटेंशन बुरे नहीं है, लेकिन ये भी होता है कि जब आप किसी बहुत पायस कैरेक्टर को देखते हैं जो हमेशा अच्छा काम करता है, तो आप उससे पूछने से डरते हैं, या आप सोचते हैं कि ये तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता, तो उसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। Which I'm really glad Aashi came out and asked him, लेकिन फिर भी मुझे वो सोल्यूशन सही नहीं लगा। So I repeat, okay, दो चीजें, अगर एक इंसान के किरदार को के पास में कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर आप उसके किरदार पे क्यों उंगली उठाएं? So I just asking a question. नहीं नहीं, that's what I think. ठीक है, second इस सिचुएशन में it was a very simple thing. कोई भी उठा के बोलता बेटा मोमिन ऐसे देखा है, थोड़ी सी परेशान हो रही, और लड़की है क्यों तुम्हारे साथ चिपकी हुई थी, क्या हुआ, कुछ है, सिंपल, डू नॉट ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ओ वी आर डाउटिंग, हमें तुम पे शक हो गया है, धोखा, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं, आप सिंपली उठाए। लेकिन क्योंकि मैं
तीन ड्रामा रिव्यू से हमेशा ये बोलती हूँ कि दिले मोमिन में उस पॉइंट तक लाने के लिए कहानी को इतना डिग डिग जिग जैग जिग जैग जिग जैग करके लेकर आए. अब कल भी वो दो एपिसोड बिला वजह इतने इस पे, बट खैर शायद ये कनेक्टेड है, अब आगे वाली जाने उस जाकर उस पे, बट जरूरत नहीं है ना. मतलब अब अच्छा बहन को भी शक हो रहा है, मतलब बहन को भी शक हो रहा है, उन्होंने कह दिया बाहर रास्ता चलते हुए किसी ने गाड़ी में उनसे कह दिया तो वो उन्होंने बिलीव कर लिया. भाई जाओ जाके स्कूल में कॉलेज में मालूम कर लो कि कौन है कौन नहीं, उनको बिठा के सामने बात कर लो. चलो वो भी नहीं हुआ. खैर आई रियली वॉन्ट अप्रिशिएट फैसल कुरैशी's परफॉर्मेंस. वो तो खैर इतने अच्छे मंझे हुए अदाकार हैं कि उनके लिए मैं क्या बोलूं, बट आई रियली रियली लाइक्ड इट जब वो अपनी अम्मी से बात कर रहे होते हैं, जो कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, वो कहती है ये तो पता नहीं मेरा बेटा प्यारा लग रहा है. एंड देन वो पूरा शेरवानी वाला सीन, इट वॉज समथिंग वेरी रेगुलर, बट इट वॉज सम देयर वॉज द वे जावेद शेख फैसल कुरैशी एंड सबा फैसल ने उस पूरे सीन को किया, मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा था वो देख के, मुझे बड़ी वार्म फीलिंग आ रही थी. एंड आई आल्सो वांट टू अप्रिशिएट सबा फैसल कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतनी अच्छी परफॉर्मर है. अगर तुम छोटी छोटी चीज देखो, जब मोमिन अपने फादर से बात कर रहा होता है, वो पीछे से उसको ऐसे करती है, फिर ऐसे करती है, फिर उसको ऐसे करती है, थिंग्स दैट ओनली अ मदर वुड डू. अगर हमने आस पास मैंने देखा मेरी अम्मी अपने भाई मेरे बेटे के अपने भाई के लिए, मेरे भाई अपने बेटे के साथ अक्सर ऐसा, या इवन अगर मैं भी बैठी हूँ कहीं मैं बात करी हूँ तो यू नो शील यू नो वो मेरा दुपट्टा सही कर दी कुछ, समथिंग वेरी टिपिकल मदर्स डू जब उनको अपने बच्चों पे प्यार आ रहा होता है. तो आई रियली एंड इट मेक्स द होल सीन सो रियलिस्टिक, सो रिलेटेड. So I wanted to appreciate all of them for making something a very small scene very interesting. Totally agree with you. And also Rabia, I felt ki that the whole concept was very relatable. Ki maine sherwani apni rakhi hui hai lekin wo dikhana bhi nahi chah rahe the ki wo pehne, wo bahut hi cute concept tha and it's something that a lot of people might have been through. To isliye wo hame acha bhi lag raha tha and it was played out well also, you are right. So yes, well done for that. और माया का जो कैरेक्टर है आपसे लिए जा रहा है इतनी नेगेटिविटी, इतनी एक्सट्रीम, उसकी वन फोकस्ड मतलब जिंदगी में कुछ है नहीं सवाई मोमेंट के. सो माया इज थरली डिसअपॉइंटिंग मी बिकॉज़ आई वांटेड अगेन टू सी अ स्पार्क एंड समथिंग मोर हैपनिंग इन हर लाइफ, क्योंकि यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, यू आर स्मार्ट, यू आर गुड लुकिंग, और थोड़ा सा माया और गौहर का ट्रैक आगे थोड़ा तो चलना चाहिए ना, बिकॉज जब वो पलटेंगे फिर आप कहेंगे वो एकदम से क्यों पलटे, वो क्या हुआ, इवेंचुअली शायद उनको पलटना है. आई थिंक आई मे बी नहीं हूँ बट मुझे नहीं पता. काफी वो साइको उसके ऊपर लेवल्स पे जा रहा है, वहां तक तो मुझे समझ आया कि वो उनके अब्बा से कह रही है, जमी साहब से कह रही है कि देखिए वो कितना खुश है, शी इज कन्विंसिंग हर सेल्फ कि ये तो जबरदस्ती में हुई है. लेकिन जब वो आदमी आपसे कह रहा है कि मुझे हाथ मत लगाओ एंड तुम्हें गलत फहमी हुई है, जब वो डायरेक्टली आपसे कह रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है. जो राइटर्स हैं, जो कॉन्टेंट की टीम्स हैं, यार मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा था. बहुत सी लड़कियां जो होती हैं वो अपने टीचर्स से मोहब्बत में या उनपे क्रश हो जाता है, उसमें मुबतला हो जाती हैं, और बहुत सी लड़कियां उसको वहां स्टॉप नहीं कर पाती और आगे लेके चलती हैं, और इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर टीचर एंड द स्टूडेंट इटसेल्फ. सो द बेसिक आइडिया वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके आप ले जा सकते थे. लेकिन आपने माया के कैरेक्टर में कोई ग्रोथ, कोई आर्क ही नहीं दिखाई है. वो इतनी एक्सट्रीम है, इतनी एक्सट्रीम है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट गिर गया. एंड आई एम एक्चुअली गेटिंग इरिटेटेड, यू नो, शुरू में मुझे फील होता है, अब मुझे माया के लिए आई एम लाइक यार क्या हो तुम, यार क्या मतलब हो तुम साइड पे हो. सो आई रियली फील कि आप लोग जब क्रिएट करते हैं कंटेंट को, जरा सा ना रिलेटेबिलिटी के फैक्टर को रखें, बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स आर गुड, द थ्योरीज आर गुड, बट बिकॉज आप आर्क ही नहीं दिखा रहे कैरेक्टर की, आपने एक उसको वन डायमेंशनल कर दिया है, वी कैन नॉट रिलेट टू इट, यू नो. राबिया ट्रैवल करने के बाद जो है ना ऐसे धड़ल्ले से ड्रामा रिव्यू, बिल्कुल यूर ऑन पॉइंट, यू आर राइट, बिकॉज वट इज हैपनिंग इज कि मैं सोची थी कि अगर माया को थोड़ा सटल प्ले करते एंड उसका मोमिन का भी थोड़ा सा एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी दिखाते कि भाई वो आपके पास हेल्प के लिए आ रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता शी स्टार्टेड फॉलिंग फॉर यू एंड यू डोंट रियलाइज एज अ प्रोफेसर और टीचर दैट दिस इज हैपनिंग, एंड देन आपको भी बुरा लगता कि ये क्या हो गया, और उसको थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाते माया को तो फिर आगे जाके कितना इंटरेस्टिंग होता. Yeah. But that's not happening, unfortunately. I think that is all from my side for the limo. That is all, I think, because we want to see what's going on after this. We go to Shadi hogi ki nahi hogi? Last shadi hogi ki nahi hogi? Nahi shadi to nahi hogi. Nahi hogi. Okay. Let's see. Hum intezar hame latkaye rakhenge phir.
शादी नहीं होगी. ओके चलो लेट्स सी राबिया इज करेक्ट और नॉट. ही शुड फाइंड आउट सून. ओएसटी सुना बहन मैं क्या करेक्ट. ओएसटी मैं नहीं देखती. आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय थिंग. मुझे नहीं स्पॉइल करना. किस्सा मेहरबानों का. किस्सा मेहरबानों का. अच्छा जी भाई उन्होंने तो सुन लिया है सब कुछ. मुराद ने वो जब बोल रही थी फोन पे मैंने कहा वो क्यों खड़ा हुआ है पीछे मुड़ के तो देखो एक दफा. सो नाउ बट शी ओके इफ यू लुक एट इट फ्रॉम मुराद्स पॉइंट ऑफ व्यू तो मेहरबानों वो ही प्लान कर रही है जो मुराद प्लान कर रहा था. एग्जैक्टली द सेम थिंग. सो व्हाई शुड मुराद नॉट गेट एंग्री. अच्छा एक ही बात है ना. मुझे मैं तो वो बचेगी या नहीं बचेगी. मेहरबानों बच जाएगी. मुझे भी लगता है बच जाएगी. फिर अयाज और नूर उसको उसके लिए फाइट करेंगे व्हेन दिस हैपेंस. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द ट्विस्ट इन द ड्रामा नूर और अयाज इनको. वेल आई एम ग्लैड दैट अयाज स्पॉट ऑन कि ये इनका कोई प्लान है इसलिए कर रही है वरना नूर को तो गुस्सा ही आ रहा था उनके ऊपर. बहुत ही क्विक इट वॉज टू सडन के अयाज ने आके प्रपोज कर दिया उन्होंने. मतलब वो मैनिपुलेट ऐसे हुआ कि दोनों अकेले थे ना महरम है घर में अलग नहीं रह सकते तो अच्छा चलो उन दोनों की शादी कर दो. सो दैट वॉज अ बिट फनी. थोड़ा सा अगर पहले से उनका वो दिखाते क्योंकि नूर को तो कहीं हवाओं में भी नहीं पता था कि अयाज लाइक्स अ लाइक दैट. नहीं इट वॉज दिखाया है उन्होंने पिछली तीन चार बिलीवेबल क्योंकि फॉर नूर इट वॉज नॉट वेरी बिलीवेबल क्योंकि नूर या तो फिर नहीं नूर को इस में थी कि खाला कैसे सोच सकती है कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ. और अगेन वही बात है ना नूर नहीं, नहीं, वो बेंच पे आके बाहर आके कहता है उससे ना तब उसको जब गुस्सा आ रहा होता है नूर को मतलब she switched like this. मैं शादी की बात कर रही हूँ. हाँ तो भाई जब तक वो बता सकेगा नहीं कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो वो हाँ. बहुत अच्छा दिखाया कि नूर ने नहीं नहीं वो क्यों उसके पीछे भीख में ले ले उससे निकाह की चीज भाई. so, सही लगा. And so I said, that means she always knew that he loved her and she also loved him. I think they knew each के कुछ ना कुछ बीच में है because yeah. उन्होंने पिछली कुछ किस्तों में दिखाया था कि वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे हैं. यू नो थोड़ा बहुत एंगल दिखाया है जगह वो दुपट्टा घेर रहा था और कुछ हुआ था. थोड़ा वीक है. आई कम्प्लीटली एग्री. वीक है. रोमांस वाज वीक. रबी आप ये क्यों नहीं कह रही है. या मैं वो हूँ ना भूखी प्यासी तो नहीं इन द सेंस डेस्परेट के वो छोटी सी भी झलक नजर आती है तो. बट आई लाइक्ड इट कि अयाज मुझे ये भी अच्छा लगा है कि अयाज आके बैठा और उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझा और बोला. एंड आई लव दैट कि जो मैं हमेशा कहती हूँ जो लोग मोहब्बत के तरसे हुए होते हैं जो उसने अयाज ने बोला उसने कहा जो मुझे नहीं मिली वो तुम मुझे दो. इन सम केसेस और इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस दिस इज माई बिलीफ यू गाइस कैन डिसएग्री विद इट. मोहब्बत का जो लॉस होता है वो मोहब्बत ही पूरा कर सकती है. वो करियर या वो जिंदगी की बिजीनेस वो नहीं कर सकती है. दिस इज हाउ अल्लाह हैज मेड अस और दिस इज हाउ आवर माशरा हैज डेवलप्ड अस इनटू बीइंग. और शाजिया फिर मेरा मजाक उड़ा रही है कि हाँ नहीं उड़ा रही. मुझे तो एक ड्रामा याद आ रहा है जो अभी खत्म हुआ है. राबिया जो है वो टॉक टू हर एंड एक्सप्लेन टू हर. अयाज में एक मैच्योरिटी नजर आ रही है जो नहीं थी पहले. अगेन आपकी बात दैट यू नो ये पहले होना चाहिए था. वो जरा सटल डेवलपमेंट कुछ और चीजें उसको दिखाते करते हुए जिसमें वो मैच्योरिटी नजर आती. तो ये है कि पहली 10 एपिसोड्स को आप लोग खींचते हैं और आखिरी 4 में धमाके पे धमाका करते हैं. तो आई डो नॉट नो कि हमें कुछ भी अयाज को दिखा देते कि वो ट्यूशन पढ़ा रहा है वहां से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा देते कहीं से कुछ. क्योंकि अभी तो मैं ये सोच रही हूँ राबिया की शादी तो हो गई ये दोनों गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है ना. तो उसके पास कोई नौकरी है ना कुछ है. अब जायदाद के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते ना कि वो या तो ट्यूशन पढ़ा रहा होता कुछ. क्योंकि अभी तो बिल्कुल लग रहा है गुड्डा गुड्डी का खेल है दोनों की शादी हो गई कुछ काम नहीं कर रहे जायदाद के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे. सो दैट फॉर मी इज अ लिटिल अनरियलिस्टिक. अच्छा दैट्स नॉट माय कंसर्न रियली बिकॉज़ वो स्टोरी का पार्ट नहीं है. वो साइड चीजें वो हो जाएंगी इवेंचुअली वी आर बिलीविंग. स्टोरी मेन जो है वो इस वक्त के मेहरबानों को कैसे बचाया जाए और अयाज और नूर का क्या होगा. दे डोंट नो. दे डोंट नो कि ये हो गया है. सो पहले तो ये दिखाना होगा कि हाउ डू दे नो कि नोबडी नोज एक्सेप्ट मुराद नोज व्हाट हैज हैपेंड. राइट पता चल जाएगा ना. अगली किस्त में वो तो तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी. वैसे कैसे बढ़ेगी बोला कि कोर्ट केस भी दिखाएंगे. सो देयर इज समथिंग दैट्स गोना गो. आई रिसेंटली स्पोक टू मावरा एंड शी सेड के हमारी कोशिश है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि आपके पास लॉ ही नहीं है अबाउट मैरिटल रेप. सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. एंड और उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है
कि हम थोड़ा सा लोगों को इसमें गाइड करें. शी सेड, फिर मैंने पूछा मैंने कहा तो हम क्या प्रोसेस पूरा देखेंगे. शी सेड ऑफ कोर्स एक ड्रामे में बहुत कुछ नहीं हो सकता लेकिन हम थोड़ा बहुत. सो आई रियली अप्रिशिएटेड. जिस तरह हम लापता में बात कर रहे थे इसी तरह इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये ड्रामा रेज कर रहा है अबाउट मैरिटल रेप की कॉन्वर्सेशंस. एंड अगर आगे जाके 3 या I think 23 किस्तें हैं जो मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई है, 23 episodes, अगली 3 किस्तों में अगर वो दिखाते हैं कि ये लोग कोर्ट जाते हैं वहां क्या होता है, तो शाजी अगर 20% ट्रिकल डाउन होके भी इफेक्ट आता है तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. यस इट इज. एंड आई वांटेड टू पॉइंट आउट तुमने जो बात कही है, आई वाज कमिंग टू द लॉयर. जब वो मुराद बात करता है लॉयर से, सो शी आस्क्स हिम कि ये तो आप मुझे को, एक तो आई रियली लाइक द लॉयर. नॉर्मली जब वो साइड का कैरेक्टर लाते हैं तो वो नहीं दिखाते, बट हर परफॉर्मेंस वाज गुड एंड शी वाज वेरी बिलीवेबल एंड एहसान खान्स एक्टिंग वाज आल्सो फैंटास्टिक. ही वाज सेइंग कि मैं आपके पास आया हूँ, आप तो मुझे कुछ पता हल ही नहीं बता रहे. देन ही सेड कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर बीवी ही सही नहीं हो तो फिर क्या होता है. एंड देन दे म्यूटेड इट एंड ही वाज टॉकिंग टू, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, कि शी इज नॉट विलिंग टू हैव मी इन द बेडरूम. आई थिंक दिस इज द कॉन्वर्सेशन वेयर इट वाज गोइंग. आई एम नॉट श्योर, इट कुड बी दैट और इट कुड बी कि वो बोलेगा इसका मेरान के साथ अफेयर है. It could be anything. I was thinking is if they're going towards a marital rape, then this is where they should be going. लेकिन वो marital rape में ये lawyer तो नहीं आएगी ना, वो तो मेहरबानों की side इस पे इल्जाम लगाएगी. ये क्यों आके बोलेगा? वो ये कह रहा है कि she is not fulfilling her duties as a wife, which is what we think as a maashra ना. हम तो यही सोचते हैं ना. I don't know, मेरा दिमाग आगे दौड़ रहा है. The lawyer would have corrected her, corrected him, but the lawyer. हाँ, but उन्होंने छोड़ दिया वहाँ. They उन्हें छोड़ दिया and they let that scene finish. But that was a very good scene. I have to give a shout out to Ehsan Khan. वो जिस तरह बात कर रहा था, he was like, बिल्कुल जो दो नंबर के होते हैं ना, completely dodgy and wanting to exploit. तो मुझे अच्छा लगा. You were saying something. So I was saying कि यही हुआ कि इस episode में बहुत सी चीजें एक साथ हो गईं, but I liked it. And it's not 100% perfect, but I liked it because हम हमेशा complain करते हैं कि इतना drag हो रहा है, इतना रोना धोना, इतना कुछ कुछ हो नहीं है. अब finally they are showing some action, some fast pace. So I just want to appreciate it. And something is not रोना धोना, मेहरबानो खुद अपने ऊपर जुल्म ले रही है, लेकिन उसने common sense इस्तेमाल की है अपनी कि भाई मैं इन दोनों को बचा लूँ किसी तरीके से. And again we need to understand कि मेहरबानो अंदर से डरी हुई है वो, और उसने कहा भी मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ के जा सकती. एंड शी इज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. सो ऑल दोस पीपल सेइंग दैट शी नीड्स टू टेक एक्शन एंड शी नीड्स टू स्टैंड अप, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका एक जर्नी है. अब वो उस जर्नी तक पहुंची है जहां वो मेहरान से मदद मांग रही है, बट उसको आप एकदम से नहीं करेंगे वो बहादुर सुपर वुमन बन जाएगी. एंड शी स्टैंड अप एंड शी डू एवरीथिंग, स्पेशली जब उसका बेटा एट रिस्क है. And I'm really glad कि उन्होंने ये भी लॉयर की कॉन्वर्सेशन में दिखाया कि बच्चा जब तक 7 साल का नहीं होता तो वो माँ के पास रहेगा. एंड देन समथिंग वेरी फाइन बिकॉज शी सेड क्या उनकी कोई मीन्स ऑफ इनकम है, एंड ही सेड उनकी जायदाद है. शी सेड देन शी कैन सपोर्ट द चाइल्ड, तो फिर उन्हीं के पास रहेगा. तो ये आपको बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इफ यू नीड द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड यू कैन. एंड राबिया इट वॉज वेरी गुड कि मेहरबानो एक्चुअली डिडंट रन अवे विद देम, बिकॉज वो पकड़ने आ जाता ना उस वक्त कि मेरा बच्चा लेके भाग गई है. So the planning was there and it's important ke aap plan karke kare jo bhi aap kar rahe hain, but she's in danger, she doesn't know that he's overheard, so that's scary. To ye acha idea diya hai ki jo aurte bhi is waqt sochi unko apna groundwork pura karna chahiye agar aap marital abuse mein hain aur aap nahi nikal pa rahi hain. And be careful. Theek hai, be careful. Yeah, theek hai. Now we have jo bichhad gaye. Ji, jo bichhad gaye. So राबिया, कॉन्वर्सेशंस यहाँ चल रही है कि कहानी दो पैरेलल कहानियां चल रही हैं. वन इज बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड वन इज रूमी एंड हमारे कैप्टन फारूक एंड सोनिया. व्हिच स्टोरी इज पुलिंग यू मोर? फॉर मी दे आर बोथ इंटर रिलेटेड. फॉर मी उन्होंने मतलब आई वांट टू एडमायर देम कि उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से इतने सीरियस कंटेंट में ये वाला एंगल डाला है कि अट्रैक्ट करता है आपको देखना, आपका दिल चाहता है कि आप देखें और जाने के अच्छा इंस्पेक्टर के लिए कैप्टन फारूक क्या करेंगे, क्या रूमी और सोनिया वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या क्या सोनिया जो है वो कैप्टन फारूक में इंटरेस्टेड है. सो मुझे लग रहा है कि ये जो एंगल डाला है, ऑफकोर्स आई एम थिंकिंग कि ये नॉवल में भी होगा. I really find it very fascinating and it's made me want to watch it more, you know.
बिल्कुल. सो कपल ऑफ थिंग्स बिफोर वी कम टू बहाज अली फैबुलस परफॉर्मेंस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. आई वांटेड टू टॉक अबाउट द लाइट थिंग्स दैट दे इंट्रोड्यूस, क्योंकि हेवी पे तो हम बात करेंगे फिर. इतने वो मजे का सीन था जब वो बुर्का पहन के जा रहे थे और वो उनको टस से मस कर्फ्यू लगा भी, लेकिन पहुंचना है वहां उसके घर. एंड देन ऑफ कोर्स जिस तरह वो सोनिया कह रही थी कि मैं आपके लिए पैक करा दूं खाना, और आपकी चाय में मैंने चीनी नहीं डाली, आपकी चाय में चीनी. और बेचारे रूमी का एक्सप्रेशन जो है ना, वो बिल्कुल ही यू करके आहिस्ता 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 यू हो चला जा रहा था. और अम्मा जो है वो तो बड़े गुस्से में बैठी हुई थी. सो आई वॉज लाइकिंग द स्मॉल टचेस. क्या लग रहा है उसने क्यों किया सोनिया ने ये? बिकॉज शी लाइक्स हिम आई थिंक, और शी इज गिविंग अ सिग्नल टू रूमी. So it could be either of the two. What exactly is she giving Rumi? She's letting him know that I will not marry you, because Rumi ke to bahut zyada umeedein bhari bhi hai na uske saath. Kyun? Because Rumi is very possessive about her. Rumi loves her. You can see that Rumi loves her. What makes you think Sonia doesn't love her? Love him? Because Sonia wouldn't do that in front of him. I felt Sonia likes Captain Farooq. You don't think so? मैंने तो जुमला क्यों बोला था जब रूमी कमरे से चला जब वो चाय का पूछती है और रूमी कमरे से बाहर से चला जाता है तो वो कुछ कहता है तो सोनिया डिस्ट्रैक्ट होती है. होना था वो तो हो गया. होना था वो हो गया. वो जुमला उसने क्यों बोला था? जो होना था वो हो गया. Doesn't have anything to do with love. It has कि भाई आप आए थे और वो तो जो आप आ गए वो तो हो गया है. And if she is in love with Captain Farooq or she has feelings for him, I think in love is a strong word. तो वो है. I don't think it has anything to do with that. तुम क्यों सोच रही हो? क्यों बोला था? क्योंकि मेरी दो थ्योरीज हैं. एक तो मेरी थ्योरी ये कि वो थोड़ा सा उसको अनकॉन्शियसली जेलस करना चाह रही थी. उसको गुस्सा है उस पे, रूमी पे. वो बात नहीं सुन रहा है. इज यू नो गोइंग अगेंस्ट थिंग्स एंड यू नो, क्योंकि वो उसका ख्याल भी रखती है बट उसको सुना भी देती है कि वो जब उसकी माँ डांटा, जब उसकी माँ ने उसको डांटा तो उसने कहा मैं तो उनकी मेरे मुझे तो उन्होंने पैदा किया, मुझे भी ऐसा वो कर देती है तो तुम ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो. फिर देन उसके साथ ही उसने बोला इनकलाब का पता नहीं क्या निकालो जाके तुम, यू नो. उसने उसको सुना भी दी तो वो उसका ख्याल भी करती है, उसको सुना भी देती है. तो मे बी शी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग जहाँ वो उसको बस अनइंटेंशनली इंटेंशनली उसको जलाना चाहती थी. दूसरी थ्योरी मेरी ये है कि उसको लग रहा है कहीं कि क्योंकि इतनी जो चीजें आई हैं, चेंज आया है, जो रूमी देख रहा है, जो वायलेंस आया है उन लोगों की मुहिम में, रूमी उससे डर गया है शायद और वो सोनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है. इसीलिए रूमी ने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया है. ही डजंट वांट टू बी वन ऑफ दोज पीपल जो अपनी फैमिली को और सोनिया को वो करे. एंड सोनिया कैन सी दैट, सोनिया कैन अंडरस्टैंड दैट. इसीलिए सोनिया ने कैप्टन फरोख वाली चीज लाई कि ये अंदर से जले, ये करे और ये मुझे छोड़ के ये मूव ऑन करे, क्योंकि वो फौरन मोटरसाइकिल पे निकल जाता है और वो बहुत खूबसूरत सा गाना भी उन्होंने दिखाया. तो मुझे ये लग रहा है कि दे बोथ support each other and respect each other kind of in a way also. And it's very strange, like Sonia does not agree with him, lekin Sonia ko pata hai ki usne kitni jaan se is cause ke piche apni jaan lagayi hai, aur shayad Sonia ko bura lag raha hai ki ab Rumi jo hai wo piche ho gaya hai. So mere zehen mein ye aisi theories ye do hain. Time will tell ki isme se kaun si sahi hai. I just feel that Sonia and Rumi are both equally passionate about the causes that they were supporting. Lekin Sonia ko ab nazar aa gaya hai. I think she genuinely feels for him as a cousin and as a friend, as a someone. I actually don't think she has a romantic interest towards him. Aur wo jo unki conversation hui thi kamre mein, wo ye keh rahi hai ki dekha main tumse keh rahi thi, tumhe nazar aa gaya na ki tum jis raste pe chal rahe ho. But she respects the fact ki Rumi wahan nahi jayega jahan ye sab chale gaye hain, iske sath hi isko chhod chuke hain. And I felt she's feeling for him. And Rumi जब निकल के जाता है, बेचारी को दो धचके एक साथ लगे राबिया. एक तो उसको वार्डन के साथ उसकी बात हुई, वार्डन ने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो ये कर रहे हैं. और दूसरा उसको ये नजर आया कि एक्चुअली शी इज फॉलिंग फॉर कैप्टन फरूक, विच कुड बी और कुड नॉट बी, वी आर नॉट श्योर. I don't think falling for Captain Farooq, क्योंकि जब वो बात भी कर रही होती है तो एकदम से जैसे Rumi आता है वो ठहर जाती है और उसकी चोरी वहां पकड़ी जाती है किचन में. And she is visibly not comfortable के, and the way Rumi looks at her also. So there is a very strong bond between them. But I was loving the way वो बिस्तर भी गुस्सा भी आ रहा है, बिस्तर भी बिछा रहा है, कपड़े भी दे रहा है, and then उसको बचाता भी है जाके, and the control and everything. वहाज अली जब वो this is what I felt that Rumi बीच में soft हो गया था. ये जो सारी चीजें हो गई थी ना, उसने Rumi को soft कर दिया था. वो जो softness overcame his strong side or his focus side, because dinner पे भी वो बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है. And again credit goes to Vahaj for showing that कि वहाँ वो एक
दोस्ताना अंदाज में उससे बात कर रहा है, जहां उसको अपने कॉज का या जो उसको रियलाइजेशन हो रही है कि क्या हो रहा है, उसका दुख रूमी को है. लेकिन जो सोनिया ने किया उसके बाद जो उसने राइटिंग, मुझे लगता है दैट वाज, दैट्स व्हाट स्नैप्ड हिम आउट ऑफ इट. एंड बिकॉज ही कम्स बैक, उसको उठाता और बोलता है यहाँ से हमसे दूर रहे हैं आप. और जब उसने उससे बोला तो उसकी आवाज में काफी क्लैरिटी थी कि डू नॉट डू दिस अगेन. सो आई फेल्ट कि वो एक उसमें गया था, गिरता जा रहा था, और सोनिया ने जो किया उससे ही गॉट अप अगेन. ओके, आई फील वो हमसे दूर रहे इसीलिए कह रहा था, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर हिम टू कम टू द हाउस एंड ये लुक सबके सब इंडेंजर्ड हो गए. लेकिन पहले भी तो धमकी तो पहले भी दे सकता था ना, उसने नहीं दी. लेकिन अब तो बहुत डेंजरस हो गया था विद द मुक्ति बानी. बैठा हुआ था रात को कमरे में, उसी वक्त दे सकता था, वो डिनर में भी बोल सकता था, बट उसने ये सब कुछ वापस आने के बाद ही बोल सकता था, उसने नहीं किया. उसने उसको धमकी एंड में जाते वक्त बोली. टू मी इट लुक लाइक कि वो जो उसने दिखाया ना सोनिया ने उसको वो चीज, वो इट मेड हिम realize that okay, maybe Sonia is not interested in me and she's interested in him, so I don't need to care about her that much, or I need to move on about my life or something. I don't know, we'll see kya chakkar chalta hai. I just saw a softer side to Rumi and I felt that he had been very graceful and gracious in his woe, and that's why he helped Farooq also, because you saw a better side to him, you saw what he is capable of. He is not capable of revenge, which we see in a lot of our dramas. He is capable of, and so उसने अपने आप को distance भी कर दिया, और मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी वो. And वहाँ चली, especially जब उसका close-up दिखाते हैं, जब वो drive करके bike पे जाते हैं, then I think he goes to the college, and his expressions were just fabulous. I mean, you actually felt for him because there are two things he's undergoing at that time. I don't think Sonia would do that to him. Sonia को पता है how much he's suffering, and why would she do it to him on purpose? कि यहाँ भी उसको एक यही वो उम्मीद की किरण है, ये जाएगा तो शायद वायलेंस रुके, इसके बगैर तो वायलेंस रुकेगा ही नहीं, राइट. मेरी थोड़ा सा शिकवा वही रहता है फिर से कि पूरा आपने जो है ना वो उसको स्टोरी को वन साइडेड दिखाया है, पूरा वन साइडेड दिखाया है. तो फिर आपको, मुझे लगता है ऐसा कंटेंट क्रिएट करने से पहले फिर आप लोगों को ये लिखना चाहिए कि ये दिस इज अ पिक्चर, अ स्नैपशॉट ऑफ ऑल दैट हैपेंड, इट इज नॉट द एंटायर पिक्चर, बिकॉज डेफिनेटली ज्यादतियां दोनों साइड्स पे हुई थी. अभी भी आपने सिर्फ ये दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने आर्मी के सब कुछ बंद कर दिया है, और फिर वो जो दोस्त है उसका वो एंड में मर जाता है, विच ही नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, ही डिड एन अमेजिंग जॉब. हालांकि छोटा सा, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट द डायरेक्टर एंड द एडिटिंग टीम एंड द पूरी टेक्निकल टीम इन्वॉल्व थी, कि जिस तरीके से उन्होंने उसको बिल्टअप किया फ्रॉम द टाइम वो ट्रक आर्मी के कंटोनमेंट से बाहर निकलता है, आपका दिल उस वक्त से धड़कना शुरू हो गया था, और आपको पता था ये हो गया था, होने वाला है, बट आप रुक नहीं सकते थे. इट वॉज लाइक यू हैड टू सी इट, एंड द वे दे बिल्ट अप द ड्रेड, जो बिछड़ गए इज एन एक्सट्रीमली वेल प्रोड्यूस्ड एंड वेल डायरेक्टेड एंड वेल परफॉर्म्ड पीस ऑफ कॉन्टेंट, दैट्स फॉर श्योर. और बहुत अच्छे से उन्होंने सब दिखाया, वो उसका खौफ, और वो पकड़ के खड़ा है और बस एक शॉट आया और वो चला गया. It was very sad. Yeah, I think जब वो बोरियां मूव कर रहे थे, that was a very tense moment, जिसमें हम सब, I mean, in our hearts, we were saying, जल्दी करो, बैठो ट्रक के अंदर, जाओ. Like, this is the feeling. We knew what's going to happen. There's a comment I wanted to read out, which is saying what you are saying, and it is on Twitter. वो ये कह रही हैं, the performances are phenomenal. However, Rumi's character seems like the only ideological Bengali revolutionist with moral values, while rest are hooligans or agents. Such approach doesn't build bridges if that's the purpose of the show. Yeah, exactly. And I think that is correct. I saw a comment on Instagram also. It was from a Bangladeshi follower, and she said ke bahut one-sided dikha rahe hain. We are all appreciating the content. It is Netflix level. It is fantastic. Lekin we feel ki sirf ek Rumi ko aap nahi dikha sakte, baki sabko aapne dikhaya hai ki wo bilkul pata nahi kahan chal rahe hain, and they are, wo to aap theek hai, aap crowd mentality dikha rahe hain, wo to har jagah hoti hai jab revolt hoti hai, lekin piche aap thoda sa thehrav dikha sakte the. Aur dusri baat ye, aap bol rahe hain ki assembly ka session nahi hua aur Yahya ne ye kiya, and you know West Pakistan mein jo kuch ho raha hai uski thoda bahut zikr hota hai, lekin aapka jo main focus hai wo char log jab baithe hote hain warden
के साथ अजीत के साथ वहां आता है वो इट्स आई डोंट नो व्हिच व्हाट वर्ड टू से दैट्स अ वेरी वेरी मतलब जिस तरीके और अगेन जो अजीत का कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रांग है इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया गया है कि आपके आप it just gets your attention it scares you and you like yes it makes you feel for the other side and you like ye bure log hain yahi villain hai wo chha jata hai aap bhul jate hain ki ha west pakistan se bhi kuch galtiyan ho rahi hain unka bhi bahut bada haath hai is cheez ko rokne mein jo wo nahi rok rahe hain you know jo unhone nahi roka Rabi, I'm glad you pointed this out because I felt ki jahan wo East Pakistan Bangladeshi side pe dikha rahe hain ki people are of two minds theek hai ek bahut extremist hai aur ek Rumi type hai Rumi ka ek character unhone dikhaya hai jo rok ke kaam karna cha raha hai who is feeling for Pakistan but he wants his rights wahan West Pakistan mein bhi aisa scenario tha aur maine padha tha everyone did not want that action that took place and wo jo kashmakash hai wo aapne nahi dikhai everyone ki wo rokne ki and even within the bangladeshis there were people who did not want this to go ahead wo dusre jo aap toot jate hain usme aap dekhenge to usme dikha rahe hain which we will review on friday or saturday to ye jo difference hai na ye unhone sirf you are right ek side ka hi dikhaya hai bahut sare even within उससे हो ये रहा है विद अपोलॉजीज कि दोनों साइड्स अलहदा हो जाएंगी यहाँ पे जो लोग बोलेंगे कि नहीं यार हमने अच्छाई की बात की थी यहाँ जो लोग बोलेंगे नहीं यार आपने तो सिर्फ हमें बुराई बना दी सो गैप तो नहीं हो रहा मेरे हिसाब से आई मीन इंटरेस्टिंग टू सी इट इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच इट एज अ पीस ऑफ कंटेंट एंड यू वांट टू अप्रिशिएट एंड सपोर्ट समथिंग दैट्स बट इट्स जस्ट सैड के एक बैलेंस व्यू जो शुरू में थोड़ा इस ड्रामे में आ रहा था वो अब जाके तो डिप कर गया है मुझे नजर नहीं आ रहा अब वो बहुत सटल दिखा रही थी जब वो रेडियो सुन रही थी सोनिया तो रेडियो पे वो ये कह रहे थे कि अब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के पास जा रहा है हम कमाते हैं ये बातें हो रही थी लेकिन ये बातें बड़ी दबे अल्फाजों में हो रही होती है ठीक है जी दैट इज ऑल एंड देन वी हैव सिंफियान इश्किला संगेमा राइट ओके सो वी डू इश्किला ओके ऑलराइट गॉन फनाया हैज गॉन राबिया very 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 sad we knew it's going to happen we were scared and I think what has happened is that they have given a very fitting closure of Shanaya hame ye nahi laga ki bahut jaldi mein ho gaya hame ye nahi laga ki koi cheez chhod di gayi thi we cried for her we felt for her we felt for Azlan and we missed her and we had fallen in love with her मुझे लग रहा था एक एपिसोड और होगी मेरे लिए सडन था मैंने देखा नहीं था मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि आपने देखा कि मेरा ख्याल से इससे अगली पहली किस्म होगा सो फॉर मी इट वाज सडन देन आल्सो उन्होंने इन द मिडल ऑफ द एपिसोड इसको दिखाया सो देयर वाज अ अब तक ही खत्म होने वाली है मैंने जाके चेक किया तो और भी आधी एपिसोड थी जिसमें उन्होंने और बहुत कुछ दिखाया सो या इट वाज वी वर एक्सपेक्टिंग इट बट स्टिल आई थिंक धचका हम सबको लगा it was nicely done ye hona hi tha azlan ka turn over hai wo ab aage jaake hoga few things that I want to talk about is ke it's ishkila is a great project I really like ki jo sari jo messages de rahe ho shanaya ka bhi but I feel ki hum logo ko action sequences karne mein really we need to think it through really need to think it through aur hame inspiration leni chahiye from netflix ya hollywood ki unko dekh ke thoda sa samjhe ya fir एक बहुत वेल थॉट मुझे नहीं पता ये लोग कैसे करते हैं बट जैसे फिल्म में सीन बाय सीन होता है या एड में सीन बाय सीन होता है तो फिर ये करें सो इश्किला में मसला ये था इश्किला में देवर मेजर लूपहोल्स जिस वक्त गाड़ी चल रही है तो जो उस्मा हसन का कैरेक्टर है वो जब जा रहा है गाड़ी में सीनरी बिल्कुल डिफरेंट है शनाया जब जा रही है गाड़ी में सीनरी बिल्कुल डिफरेंट है एंड यू थिंकिंग यार ये एक दूसरे को फॉलो कर रही है इसको फॉलो करिए तो ये किधर जा रही है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ठीक है फिर जब वो रुके तो जब वो चलाती है तो अजलान सामने से कैसे आ रहा है ये मुझे अजलान सामने से कैसे आ रहा है और अजलान इट वाज जस्ट अजलान सामने से ऐसे आ रहा था ना बिकॉज़ शी वाज गोइंग बैक एंड अजलान वाज कमिंग दैट वे Azlan was coming to her गाड़ी रोक दी उसकी गाड़ी क्यों रुक गई पेट्रोल क्यों खत्म हो गया क्या हो गया यू नो इट्स जस्ट I have not sat down to create the whole scene, but I felt that it needed to be better executed. Now, ये सब हो रहा था मैं देख रही थी और मुझे हो रहा था उफ़ ये क्या हो रहा है? It was totally losing me. ठीक है? Then
जब शनाया उतरी, जब शनाया ने गाड़ी रोकी, उसने अच्छा फिर मुझे बट उन्होंने ये अच्छा दिखाया कि उस पीछे से गाड़ी ने शॉट किया, शनाया की गाड़ी रुकी और शनाया गाड़ी से निकली एंड hats off to Sajal for pulling that whole scene off. I mean, she was amazing. But why did she have to get off the car? Why did she stop the car and get off? No, उन्होंने गाड़ी पे शूट किया था ना, गाड़ी रुक गई, उन्होंने गाड़ी को शूट किया था. अगेन अब ये तुम बोलियो तो मैं बोलूं गाड़ी पे शूट करने से गाड़ी रुक कैसे गई? Unless उन्होंने या तो टायर को मारा होगा या उसको मारा. So exactly, they should have shown that. या तो टायर को मारा या फिर दिखाएं कि वो सीट पे साइड पे लगी है. समझी कि शनाया को लग गई है and she can't drive anymore. ना 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 ना, शनाया को नहीं लगी थी, लेकिन झटका हुआ था. नहीं लगी थी, I realized later तो नहीं लगी थी. झटका लगा था, इम्पैक्ट हुआ था और वो बाहर निकली. उसके बाद जो उन्होंने ब्यूटीफुली दिखाया उसका हाथ आया, फिर शनाया खड़ी है, अजान सामने से आ रहा है, उसको शॉट लगता है. सो ऑल ऑफ दैट एंड देन अजान रन्स एंड होल्ड्स हर जब वो गिरती है, ऑल ऑफ दैट saved all the loopholes. They covered up all the loopholes for me at least. But I would really like and request कि जब आप action sequence करते हैं, उसको अच्छे तरीके से thought करें, उसको shot अच्छे तरीके से करें, because this was an extremely important episode. मतलब हम इन loopholes के बावजूद हम शनाया के लिए रो रहे हैं. 80% of the people, I would say 85% of the people, 15% are not crying. मैंने पोस्ट लगाई थी हमारी पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी और मेरे अपने पर्सनल पे भी, नीचे अगर तुम कमेंट देखो, there are people who said we were laughing and it's sad because जब आप ये पढ़ते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार वो अच्छी एपिसोड थी, ड्रामा अच्छा है, मैसेज अच्छा है, it was so beautifully done the way and again the way Sajal just you know उसने अपने आप को बिल्कुल lifeless करके अजलान के हाथों में डाला. ये आसान नहीं होता ये करना. और जब वो मुड़ी है, जब वो मुड़ी है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन यार, जब उसको पहला शॉट लगता है, दूसरा शॉट लगता है, एक्शन सीक्वेंस उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही अच्छा किया होता कि हम कहते हैं यार ये क्या बहुत ही वीक एक्शन सीक्वेंस है, हमें हंसी आ रही है या हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, उससे बेहतर करते तो आप सोचें कि इस एपिसोड की क्या रेटिंग आती है और इसका इम्पैक्ट क्या होता. तो ये एक चीज थी मुझे जो मुझे लगी. Which I wanted to point out, जो मैंने अपनी review में इतनी detail में नहीं लिखा था. तुम बोलो फिर मैं दोबारा इस बात कहूँगी कि मैंने review में क्यों नहीं. No, I didn't see so many loopholes in the action sequence. You apparently saw more. Maybe I need to go back and see it again. मुझे क्योंकि ज़्यादा stress ही हो रहा था कि निकले यहाँ से. I did appreciate कि उसने side में gun चलाई थी and that all that was good. I also appreciated कि वो काफी full speed पे गाड़ी चला रहे थे. It was going really fast. मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आया कि अजलान की गाड़ी क्यों रुकी and शनाया क्यों गाड़ी से बाहर आई. जब आपके पीछे लोग follow कर रहे हैं तो you go. अगर गाड़ी रुक गई है तो वो आपको दिखाना चाहिए था. So for me that was important. The rest, yeah, you can go. The reason we did not point out so many loopholes is कि sometimes हम balance करते हैं. एक बहुत अच्छा काम हो रहा है. इस review में मैंने बात करने का सोचा हुआ था उस पर भी. Instagram पे या Twitter पे हमने नहीं बहुत ज़्यादा बोला. Was that कि कभी-कभी जब अच्छा काम इतना होता है, you let go. It was as we said. अगर इम्प्रूव कर ले तो बहुत अच्छी बात है. You let go. So we try to do a balance. किस्सा मेहरबानों का भी. We are not being very critical, honestly speaking, because कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कह रहे हैं जो अच्छा हो रहा है हम प्यार से पिन पॉइंट करें. दूसरी चीजें आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करें, लेकिन हम पिन पॉइंट फिर भी करें, लेकिन हम अच्छी चीजों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बिकॉज आई फील देयर हैज टू बी अ बैलेंस. एक ड्रामा जो बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छी चीजें वो दिखा रहे हैं, मैं उसको उसकी जो वीकनेस है I can't let that overcome the strong points that the drama communicated for me in this episode. फिर उसके बाद आप सीरीज देखें, अजलान की दुआ. What an amazing dua. I mean, Azlan ki dua nahi, Azlan ka shikwa Allah se. Did you feel the nekazi at that point in time? Okay, so we tweeted also on that. And then main logon ki comments padhi thi. Log bade hurt hue the us dua se. Log keh rahe the ki kaise unhone dikha diya. But that's exactly what they're showing Azlan to be. And you have to connect. The character, आप ये तो नहीं दिखा सकते हर कैरेक्टर सही बात कर रहा है रिलीजन के हिसाब से फेथ के. वो तो अभी ही इज ट्राइंग टू टर्न टूवर्ड्स फेथ एंड ही इज एंग्री एंड उसका बिल्कुल जो उसने कहा ऐसे कैरेक्टर के मुंह से ऐसी ही दुआ निकलेगी कि आप नहीं करेंगे तो मैं आपकी नहीं सुनूंगा बात. चलिए वो सिर्फ वो जो तुमने बात बोली वो तो बिल्कुल सही है कि गिवन हिज कैरेक्टर दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड. यार मैं I do that. Don't you do that? जब अल्लाह हमारी हम कोई दुआ कर रहे होते हैं डेस्परेटली नहीं सुनता. हम कई बार अल्लाह से शिकवा नहीं कर देते, आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, आप तो कुछ करेंगे नहीं हमारे लिए. और कभी जब मैं 5 साल की थी ना तब मैं करती थी.
नहीं मैं तो अभी भी करती हूँ, आई ट्राई नॉट टू, बट समटाइम्स आई एम नाराज विद अल्लाह की मैं इतनी बात करी थी, सुना नहीं आपने, हाँ मैं अब दुआ नहीं मांगूंगी। मैं तो अक्सर ये भी सोचती हूँ, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, बट क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं, हम मैच्योर होते हैं, वी और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग को कंटिन्यू रखें तो आप ओवर द टाइम आ जाता है दैट यू से कि नहीं ठीक है अल्लाह ने नहीं भी सुनी तब भी आप ये शिकवा नहीं कर सकते। बट इवन नाउ आई फाइंड माई सेल्फ डूइंग, क्योंकि मैं 10,000 बार ये दुआ मांग चुकी हूँ अल्लाह ताला, सॉरी ये तो मैं क्यों मांगू, सो मुझे इतनी हैरानी हो रही है, आई एम सॉरी मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड पीपल व्हेन पीपल आर सेइंग कि ये गलत दिखाए, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द यूथ इज गोइंग थ्रू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट a big majority of people are going through, and it's important to for them to connect, then see Azlan's journey, because Azlan will come back. And that dua will actually spark, we want to see now the journey, because ab hame pata hai ki uske sath kya hoga. So it's very, also Rabia, I think jab aap Allah mein aisi dua mangte hain, aapka ek bada personal connection hota hai. And I really feel it's not fair for anyone, wo to kyunki usne bol diya, it's not fair for anyone, for me, for you to say, jaise maine bhi abhi tumse kaha ki main 5 saal ki thi, main karti thi. Your connection with Allah mein is your connection, and how you talk to him is your connection. So no one should have a right to say how we should be giving us, uttering our prayers or our dua. So yes, totally. And ye journey, now I want to know ki kya hoga. But I just want to say ki bahut se logon ne mujhe bhi inbox kiya ki ye to itni kufrana baat kar di hai aur ye, I am sorry, I don't think that is kufr. I think this is a natural process a lot of people go through. Please apne mind ko thoda sa broaden karke dekhiye. Wo ek insaan hai jo is waqt itni shadeed dard mein hai, itni shadeed dard mein ki hum shayad soch bhi nahi sakte hain, you know, uski itni, aur wo kabhi Allah ke samne jata nahi hai, ab wo ja raha hai. Aur pata kya hota hai, aap ye badi human psychology hai, jab aapne itne arse se kiya nahi ho na koi dua, ya to fir aap Allah ke samne jhukte hain, to aap kind of Allah pe ehsaan jata rahe hote, kehte ab main aaya. Now, if you really exist, you prove that you exist and listen to me. Yes, you prove. Exactly. But that doesn't happen. And we all need to understand. And Azlan needs to understand that. And वो कहाँ से, वो character यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा? अगर वो यहाँ नहीं होगा तो वो यहाँ नहीं आएगा, फिर हम कहेंगे कि हमें तो समझ ही नहीं आया, वो तो था इतना बुरा, तो था ही नहीं, बुरा बुरा is a wrong word to use, but वो इतना दूर तो था नहीं अल्लाह मियाँ से, तो वो कैसे आ गया? So I completely agree there, but then they are showing थोड़ा सा again, जो you want to say something else, I was going to go to professor. मैंने कहा कि फिर हाँ कि फिर उन्होंने वो थोड़ा सा ना एक बिल्कुल एक थोड़ा सा एक रिपल लाइक कोई क्या क्या कहीं जैसे पानी में एक एक कंकड़ फेंकते हैं और थोड़ा सा वो हिलता है पानी, उन्होंने वो दिखाया कि उन्होंने आके कितनी फर्मली, ही वाज नॉट अपोलोजेटिक, ही डिड नॉट सिंपथाइज विथ हिम, ही सेड कि बेटा ये तुम्हें करना है क्योंकि ये उसका हक है, यू हैव टू गेट अप, पुल योरसेल्फ टुगेदर एंड कम आउटसाइड एंड डू दिस, एंड देन we all were completely convinced, and even Azlan was convinced, and I knew he will be convinced despite everything that he was thinking ki mujhe chhod de akela, mujhe khud hi rehna hai apne aap mein, usko samajh aa gayi wo baat ki nahi mujhe jana hoga. ye aap jaise aap rootte hain na kisi se aur dil mein aap actually naraaz nahi hote, to wo bhi Allah se thoda sa roota hua hai, jab usko pyar se professor lekar aaye, kitna khoobsurat angle tha Shazia, this episode was so good, I can't tell you, pura wo jo aake unhone baat boli ki tum ये तुम्हारा इसका कर्ज है, उम्मीद तो आई वाज अभी भी मेरी आंखों में ना, दे वाज सो गुड डायलॉग दैट वो उसको समझा रहे हैं कि देखो तुम मत करो, तुम सारी जिंदगी पछताओगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो डायलॉग, द एग्जीक्यूशन, द डायरेक्शन, इट वाज रियली नाइस, आई जस्ट लव्ड इट. एंड बिकॉज उन्होंने शनाया का जो का मर्डर था वो बीच में दिखाया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एंड में दिखाते वो इम्पैक्ट नहीं होता, उन्होंने बीच में दिखाया, देन दिस showed everyone going through pain. मुझे उनकी जो गजाला कैफी का कैरेक्टर है, I just loved her, the way she was crying and it was so natural. मुझे उसकी माँ का थोड़ा सा लगा कि वो बेहतर कर सकते थे, but the mother-in-law, she was just like a typical, मतलब I would expect her to react like that. वो एंड अज़लान lost है, उसको समझ नहीं आ रही, you know, एक इतना बड़ा businessman but उस वक्त lost है. I want to mention अज़लान पे लोग बहुत, अज़लान समी खान पे लोग बहुत बोलते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में. I'm not going to go into nepotism and I'm not going to go into ki character kaise mila ya kya nahi mila. All I want to say ki he's doing a character. The character is of a certain type jo mujhe lagta hai unhone bahut acche tarike se perform kiya hai. Bahut excellent nahi hai to bahut acha hai, theek hai. Lekin is episode mein definitely we show more expressions. We saw more expressions. We saw more variety in Azan's performance, and I think that needs to be appreciated. Instead, ke hum bash kar rahe ho aur bole ki nahi hai, kyunki wo bura nahi tha.
मेबी इससे और बेहतर हो सकता था, ये उनका पहला डेब्यू है, आई एम श्योर ओवर द टाइम वो बेहतर होंगे. अगर आप जावियार को ले लें, सेम इज द केस विद हिम इन मेहरान, यू सी मेहरान की आर्क. अब कल वाली एपिसोड जो संडे की एपिसोड थी उसमें मेहरान का कैरेक्टर जब मेहरू से बात कर रहा था, इज मच बेटर देन व्हाट वी सॉ इनिशियली, राइट? एंड व्हाट वी आर सीइंग, हाउ वी आर सीइंग जावियार इन संगिमा इज एंटायरली डिफरेंट. सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट के देयर इज डेफिनेटली नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि वो जो थोड़ा जो हमें नजर आ रहा है पोटेंशियल. That's what I wanted to say. Zabia, when the camera was close up on his face, jab dua mang rahe the, us waqt, I think his performance was, it's very hard to perform in front of the camera. You don't have any cues. Agar teacher ko bhi, because wo to baat hi apne aap se kar raha tha na, us waqt Allah Mian se baat kar raha tha. Yes, jab wo Kabristan mein the, aur wo jo gire the, that could have been done, executed better. But I will say that was not totally his fault. Ke wo pura scene jo hai, wo thoda sa, uski par unko thodi si bashing aayi hai. Going back to the nepotism, which we don't really want to talk about, I do want to say people like Zaviar, like Azan Sami Khan, unke upar all eyes are on them, and Atif Aslam, all eyes are on them. And agar koi unknown character karta, to aap dekhte bhi nahi usko, ya aap kehte ki haan, theek hai. So ek ye bhi hota hai ki pressure bahut zyada hota hai, which we have to accept. Jahan roles aa rahe hain, wahan pressure bhi bahut aa raha hota hai, and they will be, unki choti si cheez ke upar bhi they will be commented. And then Azan is making his debut against Sajal Ali, which is very hard. So and you are completely right ke it's good, it's not there, but it's not there either. It's somewhere over there, and we can see glimpses of something. A potential is there. We can see the potential. So why not? Yeah. Not okay. Aska's family. You want to say something? Yeah. नहीं तुम बात करो. तुम कुछ बात खत्म नहीं करी थी. लास्ट में मैं पता नहीं सोचे बोलूँ ना बोलूँ. बोलो. I just feel कि I look at dramas sometimes and I feel and I'm not. It's not just Ishkela. There are a lot of other dramas. मैं characters को देखती हूँ. मैं एक humble suggestion directors को करना चाहूँगी. अपने तमाम actors को voice and expression एक्सरसाइजेस कराएं, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि इनको इनको एक्सरसाइज वॉइस की करानी चाहिए, प्रोजेक्शन की. मुझे उनके यू नो मेरा दिल चाहता है इनको बोलो जाओ जोर जोर से चीखो ताकि तुम्हारे आपके एक्सप्रेशन अच्छे आए, चेहरे की एक्सरसाइज पूरा. मैं फनी लगूं करते बट आई वॉन्ट टू शो के उनके एक्सप्रेशन, उनकी आवाज खुले, यू नो आई रियली फील दैट. एंड इट शुड बी आई थिंक इट शुड बी रेगुलर प्रैक्टिस फॉर ऑल द एक्टर्स एवरी टाइम अ ड्रामा स्टार्ट्स. स्पीच थेरेपी इज रियली इम्पोर्टेंट एक्चुअली. एंड स्पीच थेरेपी होती है बाहर के एक्टर्स की होती है. अभी मैं एक ड्रामा देख रही हूँ विच इज बेस्ड इन स्कॉटलैंड, इट्स अ नेटफ्लिक्स शो, एंड उसमें एवरी एक्टर इवन इफ दे आर नॉट स्कॉटिश देयर एक्सेंट इज वेरी हेविली स्कॉटिश, यू कैन नॉट टेल. तो अगेन जैसे हम बात कर रहे थे जो भी चढ़ गए के जो वहां चली है उनके बांग्लादेशी फैंस ने उनको एक्चुअली हेल्प किया था विद दिस, सो देयर शुड बी प्रॉपर स्पीच थेरेपी गोइंग ऑन. गोइंग फॉरवर्ड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अस्का'स फैमिली का रिएक्शन. ये मुझे राबिया बड़ा अच्छा रिएक्शन लगा कि उनको बाद में पता चला, एंड देन दे वर कंसिडरिंग कि हम क्या करें. Yeah. हम जाएं कि हम नहीं जाएं, अम्मा कहती है जाना तो होगा विच ऑफ कोर्स, लेकिन वो हमें ही ना दोष ठहरा दें इसका क्योंकि हमारी वजह से वो वहां गई थी. सो आई लाइक दीस फाइन थिंग्स दैट दे आर पुटिंग इनटू इट, एंड आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि अब क्या होगा, व्हाट वुड यू डू एज अ फैमिली इफ दोज पीपल शोड अप. अभी तक तो आपने उनको बड़ी उनकी हिमायत भी करी थी, यू फेल्ट बैड, उनके घर में भी एक लॉस हुआ है. हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू फाउंड आउट? यू अंडरस्टैंड देयर पेन नाउ, Yeah. So what do you think Shanaya's family should do when Aska's family walks in? Apna condolences dene ke liye. Will they be, should they be okay about it? Azan will react maybe. Other people should be okay. That's what I'm wondering to move forward ki uske phone ka kya hua jisme wo video hai. Le gaye wo uski, unhone gaadi ka darwaza khola tha, they took everything away. They took the phone. Okay, fine. Phir kya hoga bhikhari ka? So that is all for Ishkila, a very emotional episode. Yeah. देखते हैं क्या होता है. सिंथ पे आहन या सो संगिमा, वी डू संगिमा फर्स्ट देन सिंथ पे आहन. वी कैन डू संगिमा. जी भाई, हिलमन का थप्पड़. तो आप बताएं फिर, आपको आपको आप कन्विंस हो गई या नहीं हो गई हिलमन के कैरेक्टर से? आर यू अ फैन ऑफ हिलमन? डिड ही इंपैक्ट यू और नॉट? क्योंकि मैंने तो ये दोनों एपिसोड्स
दो हफ्ते पहले ही देख ली थी, आपने सेकंड एपिसोड अब देखी है, जो मैं इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी पिछली बार, क्या मेरे दावे सही थे? बस तुम लोग अगली एपिसोड देखना, फिर तुम लोग को समझ आएगी कि मैं क्या कह रही थी. No, I'm liking Hilman is a very intelligent character. This is what I liked about. क्योंकि Hilman ने जो आपको reasons दी थी अपने अब्बा को, क्या नाम है उनका, हाजी मरजान खान, उनको बड़ी अच्छी reasons दी थी कि आप ये तो कह रहे हैं कि घाक की वजह से कर लें, लेकिन वो कह रहा है, वो सॉरी भी कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने नशे में किया था और अल्लाह मियां भी नहीं नशे में अगर आप नमाज पढ़े तो एक्सेप्ट. सो आई लाइक द रीजनिंग बिकॉज उसने बड़ी इंटेलिजेंटली जाके केस आर्ग्यू किया, क्योंकि मैं भी सोच रही थी ये क्या कहेगा, वॉट विल ही से. तो एंड देन बाद में भी जो उसने अब्बा को कहा कि आप अपना छुपा रहे हैं, जो एंड में जो दोनों की कॉन्वर्सेशन है, अब्बा भी बड़े इंटेलिजेंट है, अब्बा ने कहा इसको शराब की वजह से नहीं सजा मिल रही, इसको झूठ बोलने की वजह से सजा मिल रही है, क्योंकि अपने आप को बचाना चाह रहा था. सो आई वॉज लविंग दैट बोथ ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट व्हेन टॉकिंग टू ईच अदर. Yeah, yeah. I find Atif Aslam is doing such an amazing job. अब उनको देख के मुझे, मैं सोचती हूँ कि मैं किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकती एज हेलमेंट. जिस तरीके से उन्होंने हेलमेंट को हमारे लिए बिल्टअप किया है, जो इम्पैक्ट डाला है, यू नो ही हैज दिस पोएटिक सैडनेस अराउंड हिम, ही हैज द विट्स, ही इज फनी, ही सेज द, यू नो, इतने मजे की बातें वो पूरे दोस्त को जिस तरह उन्होंने बोली है, हेलमेंट के कैरेक्टर और फिर उनके एक्सप्रेशन, मतलब जिस वक्त वो दोस्त से बात कर रहे हैं, जिस वक्त जिरगे में थे, और लास्ट में कितने, मतलब जब वो अपने बाप मरजान खान से बात कर रहा होता है, वो कॉन्वर्सेशन, आई लव्ड दैट कॉन्वर्सेशन, मुझे लास्ट वाली थी, इट वाज सो इम्पैक्टफुल कि वो, और वो इतना अच्छा एग्जीक्यूट किया है सैफी साहब ने, कि वो उधर उसको आपको चीखों की आवाज आ रही है, इधर आप ये डायलॉग में कर सकते हैं, और वो वो जो उस वक्त एक्सप्रेशन थे आतिफ के, वो इतने अच्छे थे दैट ही कुड रियली फील द पेन ऑफ दैट गाय, एंड ही कुड रियली फील दैट हिज फादर इज बीइंग अनफेयर, एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड ये पूरा सिस्टम क्या चल रहा है, एंड ही कांट डू एनीथिंग, बट ही इज स्टैंडिंग देयर एंड सेइंग okay, I'm seeing it, not gonna let it go, I will, I'm here, you know, I, but he has an agenda also na, uska to ek piche se agenda bhi aa raha hai, jo hame we still don't know why he is so angry at him, and then wo unka, unki shakal Marjan Khan ki bilkul crumble ho jati hai with the last dialogue that he says, ki mera to agenda ye hai, mission ye hai ki main aapko nahi aaram se rehne do. जाते वो पीछे वाले बंदे को देख के जाता है, तो उस बंदे का कोई ना कोई किरदार है, जो भी हुआ है, वो जो कबर भी पहले दिखाई है उन्होंने और सब कुछ, सो इट वाज वेरी, इट इज सो वेल, द मुस्तफा अफीदी साहब इज अ ग्रेट राइटर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, एंड आई जस्ट लव इट कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को इतना अच्छा, मैं, मुझे ये चीज बहुत कम ड्रामों में नजर आती है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि वो कैरेक्टर्स ने अच्छे तरीके से डेवलप किए, कि हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक, उस कैरेक्टर को उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हमें थोड़ी देर बाद समझ आना शुरू हो जाता है, और इस ड्रामे में भी यही हो रहा है, यू नो, लाइक हेलमन का कैरेक्टर, हिकमत का कैरेक्टर, जरमीन क्या नाम है हानिया के कैरेक्टर का, गुलमीना जरगोना, जरसंगा, सबके, फॉर एग्जाम्पल आसानी सईद का कैरेक्टर देख लें, जरगोना, राइट, मैं तो जरसंगा और जरगोना में कंफ्यूज हो जाती हूँ, वो जो एक छोटा सा सीन था व्हेन शी इज ऑन द हॉर्स और वो अफीम की बात कर रही है, और उनके जो डायलॉग्स थे, इट वाज सो फनी, आई लव्ड व्हेन शी सेड इट आउट, क्योंकि वो, वी हैव एन आइडिया, एंड फिर जो बैठ के हिकमत से भी बात करी, we know what she's about, she has a spirit in her, this woman, she has a spirit and she has a sense of humor also, very wry cynical sense of humor, lekin wo hai, and unhone jawab diya, lekin kyun, aur ye rabia ka sawal hai jo main rabia se wapas pooch rahi hu, ki kyun jab mana kar diya tha gulmina ko ki tum dur raho isse, to phir kyun usne hikmat ko chhod di ki aa jao, wo chahti hai wo dono uske samne jhuke, it's very उसके, सो ये सब बैक स्टोरीज हमें पता चलेंगी कि पास में क्या हुआ इन सब लोगों के साथ, ये ऐसे क्यों है, लेकिन डेफिनेटली कुछ हुआ है जो जो उसकी ईगो को, मतलब उसको चैन से नहीं लेने देता, तो तब वो कहती है सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं तुम्हारा बाप भी आएगा, उसने स्पेसिफिकली बोला मरजान के लिए, सो देर इज समथिंग दैट वी विल फाइंड आउट आगे जाके, और जब माँ को नहीं समझ आ रहा, माँ तो अकेली चली गई, माँ ने कहा नहीं वो मुझे ही मना कर देगी, माँ को नहीं समझ आया कि बाप जरूरी है जाना साथ, तो आगे बताएगी ना उसको, वो कर देगी, हैंडल एवरीथिंग, बट व्हाट आई लव्ड इज के द वे दे हैव बिल्ट इट अप, सेकंड एपिसोड इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग, उसमें मजा भी था और उसमें वो भी थे, और वो जो एंड छोटी छोटी चीज के माँ मरहम लेके बाहर बैठी हुई है, एंड शाजिद वर यू ओके, वर यू ऑन वन साइड, तुम सब जली की साइड पे थी, सब्जली नाम है, सब्ज खान नाम है, सारे नाम वाला जली, सब्जली सब्जली की साइड पे थी तुम या नहीं थी, वाज ही राइट वाज ही रॉन्ग, सब्जली का
अब मुझे ये था कि सब्ज अली ने किया तो है, और ये कहना कि मैं नशे में था ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन सब्ज अली को मैं वो आई मीन आई डिडंट वांट हिम टू हैव सच अ हैवी, मैं चाहती थी कि उसकी जो पनिशमेंट हो वो ऐसी हो कि उससे वो कुछ सीखे, या तो वो कुछ विलेज में कुछ काम करता, कुछ ऐसा काम करता, ये जो कोड़े ठीक है उस जमाने, हाँ नहीं वाकई, बिकॉज आई एग्री विद द जिरगा कि ही इज रॉन्ग और ये नहीं होना चाहिए था, तो मैं सब्ज अली की साइड पे नहीं थी, लेकिन मैं जिरगा की साइड पे भी नहीं थी कि आपने उनको इतनी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दे दी, जिरगा को कोई डीपी पनिशमेंट जो चांद पे चीज हो रही है ना उसको बोल रही है जजमेंट कॉल, बहुत से बहुत अच्छी चीजें भी हो रही है और मे बी ऑडियो, बट एक्सपेक्टिंग देम टू आस्क फॉर कम्युनिटी सर्विस इज नॉट गोना हैपन। आई नो दैट बट आई जस्ट सी सब्ज अली को कोई जरा, ये तो एक दफा ओके खत्म हो गई ना कहानी, मतलब सब्ज अली को 120 कोड़े खाना आसान चीज नहीं होती है, सो ये दैट इज अ ह्यूज पनिशमेंट। बट व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि मुझे, मैं थ्रू आउट द ड्रामा आई कुड नॉट डिसाइड कि घाग सही है या गलत है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, टिल द एंड दे रीच टू द एंड एंड देन मरजान की बात सुन के मेरे जहन में तो अभी भी आई एम Not this is how beautifully they have played the drama. कि yes, you can't decide agree. ये सब्ज अली को वाकई सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब ड्रामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मुस्तफा अफरीदी साहब ने बताया था कि लास्ट घाग 2 महीने पहले हुआ था, रिपोर्टेड जो था, ठीक है, एंड देन सो इट सीम्स लाइक इट्स समथिंग दैट एंड व्हाट ही सेड वाज नॉट गुड, यू नो, कि उन्होंने ये बताया कि कितना लड़की को या लड़के की फैमिली को भी या लड़के को भी जानी नुकसान पहुंचता है और प्राइस देनी पड़ती है, सो अपेरेंटली इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। लेकिन ड्रामा आपको ऐसे लेके चल रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस साइड पे आपको जाना है। ड्रामा आपको ये बता रहा है कि जब बड़े बूढ़े आपकी बात नहीं सुनते तो बच्चे जो है वो डेस्परेशन में आके ये काम करते हैं, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, लेकिन दिस इज वन रीजन फॉर घाग, द अदर रीजन will not be this. The other reason will be कि आपने जाके किया और आप अपनी धौंस जमा रहे हैं और आप अपनी पावर जमा रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, although the लड़की is also not agreeable to it. So it is definitely making you see all sides of the issue. And then the third thing, मैंने कहीं पढ़ा था या कहा था या हमारा पोस्ट था मुझे याद नहीं आ रहा, कि अगर कोई influential family होती है तो फिर वो शादी नहीं कराती, लेकिन फिर वो लड़की जो है उसकी कभी शादी नहीं होती, और अगर वो अंडर प्रिविलेज फैमिली होती है तो फिर वो स्ट्रेस में आके और धौंस में आके उनको शादी करवानी होती है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी आर एजुकेटेड ऑन एवरीथिंग। एंड ये तो लाइक यू आर सेइंग कि वी आर थिंकिंग कि नहीं भाई अग्री नहीं कर रहे तो ये कर दो, तो वी हैव टू सी द अदर साइड टू। अब ये जो मस्तान है, मस्तान राइट, उमेर राना कैरेक्टर, इनके पास जो लड़की आती है ना, आई एम थिंकिंग कि इतने साल हो गए उनकी शादी क्यों नहीं हुई, डू यू थिंक इनके ऊपर भी घाग हुआ था, आई एम नॉट श्योर, आई हैव नो आईडिया, लॉट्स ऑफ मिस्ट्रीज हियर, एंड वो उनके लिए काम कर रहे हैं जरहुना के लिए, ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो जो उन्होंने कहा कि उनको फौरन निकाह पढ़वा दो, शादी करा दो उनकी, तो दैट वॉज ऑल्सो, एंड देन उन्होंने पीछे से आके कहा आई एम नॉट लाइक यू, तो दे आर एडिंग लेयर्स to the story every time. Definitely. Lots of mysteries, lots of questions. Both Zaviar and Hania look really nice on screen. Mujhe bada maza aata unke scenes dekhe, mujhe cute lagte hain aur mujhe unki love story badi interesting lag rahi hai. So I hope Hikmat Ghaag nahi kare. Let's see kya hota hai. Okay ji, we move on to Sinfe Ahan. Ji. Kahiye, you go ahead. Begin. I just loved it. I do not have enough words to say ke mujhe kitna maza aaya dekhne ka, and Kubra Khan itni achhi performance di hai, jab unko tarana nahi aata aur wo jab daan pitti hai unko, and you know she was it was a very heartwarming scene, and I think jinhone bhi dekha aapke dil ko kuch hota hai, aap question kar rahe honge, and I'm sure aadhe log to saath saath wo pad bhi rahe honge jab wo log tarana pad rahe the, you know. Yeah, I think पढ़ भी रहे थे, and also राबिया, I feel कि what they're showing is कि जब आप आर्म फोर्सेस में जाते हैं ना, आप अपनी ईगो को यू निकालें और यहाँ रख के आ जाएं, यू के आप अपने आप को कुछ भी, and you know they showed that all these girls they have done something good, वो लॉयर है तो दूसरी इंजीनियरिंग में, and they've all been
राइट एट द टॉप ऑफ देयर फील्ड्स. लेकिन यहाँ आके ना एक तो सब बराबर है और रूल्स ही फर्क है. रूल्स कम्प्लीटली फर्क है और आप भूल जाएं जो भी आपने किया था, आप सब भूल जाएं, अब आपको ये करना है. सो एंड देन दे आर शोइंग, बाय द वे वी आर रिसर्चिंग एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि व्हाट डू आर्मी कैडेट्स नीड टू नो बिफोर दे जॉइन द आर्मी और इफ नॉट नीड टू नो. तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है कि आपकी ड्रेसिंग की, आपको बिकॉज वी वर टॉकिंग टू अ यंग गाय, तो उन्होंने कहा कि मैचिंग किस तरह होनी चाहिए जूतों की और टाई की, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए खाना नहीं, नॉलेज अबाउट योर कंट्री, जिसमें हम कौमी तराने की भी बात कर रहे हैं. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स द ड्रामा इज इन्फॉर्मिंग अस. एंड व्हाट डिड यू थिंक, एंड ऑल्सो फिजिकल फिटनेस व्हिच वी विल कम टू नाउ. दाना नीर सिद्रा शैया, दैट वाज सो क्यूट. आई थिंक ये एपिसोड इतने मजे की थी और अगर देखा जाए तो उसमें कितना कुछ था. उन्होंने उनको मैनर्स पूरे सिखाए, फिर वो फिजिकल उसकी आई, एंड देन ऑल्सो दे शोड कि किस तरह वो आर्मी जो है वो आपको कलेक्टिवनेस और हार्मनी सिखाती है, दोस्ती सिखाती है, कि वो दोनों अपनी तरफ से तो समझ के आ गई थी, वो हम छोड़ के आ गए, उन्होंने बोला जाओ लेकर आओ, और चारों को डांटा, दोनों को डांटा कि क्यों, दोनों को डांटा कि क्यों भूल के आए अपने साथी को, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, यू नो. सो आई लव दिस, दीज स्मॉल स्मॉल एक्शंस जो वो दिखा रहे हैं. फिर ऑफकोर्स वो भी कि मैं लाइट नहीं बंद करूंगी, और फिर भाग के जाके कुबरा जो है वो लाइट ऑफ करती है. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज मेजर सामिया का, जो उन्होंने दिखाया जब वो वॉक करके जाती है हॉस्पिटल. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी, यू नो, इतना सख्त, इतनी फोकस्ड, इतनी डिटरमिंड, आपने नो नॉनसेंस फीमेल दिखाई, एंड देन दे शो दिस साइड ऑफ हर कि उसका एक बच्चा है वो हॉस्पिटल में छोड़ के आई हुई है अपना ड्यूटी देने. इट वॉज अ वेरी गुड ट्विस्ट जो आपको आपके इमोशंस के साथ खेल रहा था. और बस वैसे ही हम मेजर सामिया के बहुत बड़े फैन थे, अब तो वो जाके हमारे दिल में बैठ गई है कि मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ, यू नो. So it was very, very nicely done. What they showed was the army ki strong side, strict side, aur ek badi soft side unhone Sharia Munawwar ki thodi bilkul Sharia Munawwar ke bhi yehi dikha Major Osama. फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करते हैं, वो एंड फर्क नजर आ रहा है कि वो क्लीन शेव्ड पतले से थोड़े वेट कम है और वो भाग रहे हैं अपने दोस्त के साथ, उनको सजा मिल रही है. सो आई अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर शोइंग दिस साइड एंड बैलेंसिंग इट आउट, यू नो. आई जस्ट थॉट अबाउट ऑल द पीपल इन माय लाइफ, व्हिच आई वो टीचर्स हो या वो बॉसेस हो, हू बीन वेरी वेरी strict and very very stern up front, that they also have a personal life which is different, but they are completely different people when they are at work. And army mein wo zara zyada hota hai kyunki aapko zyada wo hi apna hissa dikhana hota hai. I was loving the khane ka scene, wo jo शहरयार साहब थे जब वो जाते हैं और वो बच्चियां, वो खाना शुरू नहीं किया था उन्होंने, एंड में वो किसने खाया था, वाज दैट कुबरा, वाज दैट किसी ने, एक में वाला एंड में जाके भाग के लिया था किसी ने, एक में वाला याद नहीं है मुझे, याद नहीं, दे कांट टेक्निकली दे वुड बी पनिश्ड. अभी किसी ने कमेंट किया कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई डू दे ऑलवेज शो कि जो सक्सेसफुल औरतें हैं, जो काम जो बहुत हुए, उनको हमेशा अपने बच्चों की को क्यों छोड़ के जाना पड़ता है. इमेजिन कि वो बच्चा अकेला है एंड ऑल दैट, यू नो. एनीथिंग यू वांट टू से ऑन दिस पॉइंट? उनको दिल नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को छोड़ के जाएं, लेकिन दे डोंट हैव अ चॉइस एंड दे हैव टू, बिकॉज दे हैव अ कमिटमेंट एंड दे हैव टू गो एंड दे हैव टू वर्क. तो आप अगर, और आपने कोशिश किया है कभी अपने बॉस को बताने के लिए बार बार कि आपको अपने बच्चे के लिए घर पे रहना है, तो आप देखें कि आपको लोग क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन मिलेगा. दे आर पीपल हु डोंट वांट टू एम्प्लॉय वेमेन, आई कैन गो ऑन अबाउट दिस, बिकॉज दे आर मदर्स, या उनकी शादी हुई भी है, या बच्चे को आप क्या कह रही है, हस्बैंड्स को भी छोड़ के जाना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है. सो यस, एंड आई एम रियली ग्लैड दे शोड हर हस्बैंड एंड हर मदर, सपोर्टिव. आई एम सो ग्लैड दे शो दीज रोल मॉडल्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ माशरे, फॉर वुमेन एंड मेन टू सी दीज पीपल ओवर देयर. दिस इज व्हाई आई लव्ड रियलिटी चेक का, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है, ऐसा ही होता है. ये बात मुझे नहीं, मैंने सोचा इस बात में, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट. अगर कोई एक इवेंट है जिसपे एक फीमेल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अटेंड करना है, लेकिन उसका बच्चा किसी वजह से, यू नो, होमवर्क है या थोड़ी सी तबियत ठीक नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम केसेस के वो आईसीयू में, अल्लाह माफ करे, अल्लाह, टॉकिंग अबाउट, यू नो, थोड़े लेस डेंजरस चीजों की बात कर रही हूँ, या थोड़े लेस, यू नो, स्ट्रेसफुल उनकी बात करी हूँ, तो वो कंपनी अपना इवेंट ना तो चेंज करेगी, ना कंपनी इवेंट खत्म कर देगी कि जी आप नहीं आ सकती, शी हैज टू चेंज इट. सिमिलरली अगर एक वो मर्द होता डिपार्टमेंट का, तो वो बच्चे को छोड़ के जाके अटेंड करता और माँ देख रही होती. तो आपने मर्द के लिए क्यों नहीं पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, बड़ा अच्छा, दिस इज अ रियलिटी.
ऐसा नहीं हो सकता कि बीइंग अ वुमन यू विल बी 100% एट होम आल्सो एंड यू विल बी 100% एट द वर्क जॉब. हम एक्सपेक्ट करते हैं औरतों से, सैडली हम एक्सपेक्ट करते हैं आप अच्छी माँ भी बने, अच्छी बीवी भी बने, और आप अच्छी बॉस भी बने और अच्छी परफॉर्मर भी बने. लेकिन ऐसा नहीं है, कोई कोई इंसान ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता, स्पेशली एक औरत. तो हमें थोड़ा सा कम ये करना चाहिए. और उन्होंने बड़ा, जैसे शाजी ने बोला, बड़ा अच्छा दिखाया कि ये चीज नहीं चेंज होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए सपोर्ट करें, फैसिलिटेट. जैसे उसकी सास और उसका मियां कर रहा था, उसकी सास ने वो खाना उठाया और बोला हम कुछ कर लेंगे, इसके पास टाइम नहीं होगा ऑर्डर करने के लिए, शी गोज एंड गिव्स इट टू हर. सो amazing, amazing content and amazing thing that they have shown. So instead of, I think we need to learn, we need to pick up the positive things jo drama hame dikha rahe hain, instead ki hum ye baat bole. Ye to reality hai ji, aur agar auraton ne aage badhna hai to uske sath zinda rehna padega. Aap jo cheez aapko attitude par kyun kar raha tha, ha go on, jo cheez change karne wali hai wo ye ki hum sab log milke, agar mere ird gird koi aurat kaam kar rahi hai, aap mard hain, aap saas hain, beti hain, bahu hain, jo bhi hain, आपके पास जो औरत काम कर रही है आप उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, डू दैट, पिक दैट अप. बिल्कुल बिल्कुल. और आप बच्चे को, व्हाई यू फीलिंग सॉरी फॉर द बच्चा, यू शुड फील, एक्चुअली फील सॉरी बच्चे, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट, लेकिन आपको तो एक्चुअली उस माँ के ऊपर यू शुड फील सॉरी कि वो बटी हुई होती है वो हर जगह. सो द अदर थिंग इज कि द फादर इज देयर ना, abba can also step in and do what the mother cannot do because of some physical limitations, and bachcha should get one parent to be with them, if not of course every child wants their both their parents to be there, everyone, every child wants their mother to be there. yahan aap keh rahe hain ki ladkiyon ko tarakki bhi karna hai, wahan aap keh rahe hain ki nahi lekin bachche ke paas amma ko hona chahiye tha. so I feel ki kahin hame balance maintain, and exactly the entire society has to be a support system. and Rabi, I've seen that jahan hum kehte hain nahi hota, wahan maine dekha hai ki working mothers ke liye there have been very good support systems with their in-laws or their parents, one parent who is helping out when they can't, and isi tarah ladkiyan aage badhti hain jab ye ho sakta hai to. Shariam Mudawwar ka jo character hai, Major Osama ka, you think unki wife ki unke darmiyan abhi itni ghulna milna nahi hai, dikhaya ki thode se reserved hai, thode se khiche khiche se hai, so wo bhi cute hai, aage jaake hame pata chalega kya hai. That part was the last sequence. It was so emotional, and Zeb Bangish ki awaaz mein wo jo OST tha, oh god, I don't know how you felt. I actually, you know, it uplifted me, and many tweet because like after listening to that, I was like, yeah, I am Sinfiahan. I am a strong woman. I am a strong person, because it just had that effect on you ki wo sab ladkiyan khadi hain aur wo soch rahi hain ki wo apne apne usme, kyunki usne kaha ki aap imagine karein ki is waqt aapki jo टीम है उसको करना है, उनकी जान बचाने के लिए आपके पास ये एक मील, एक माइल है जिसको आपने 10 मिनट में करना है. Those were so impactful, and the way they come and they stand, सबके expressions, you know, Yumna to Sajal, Ramsha, Kubra, you know, everyone was so amazing. Saira, it was so impactful. Great. Kubra giri hai. One of them should stop and go back and help her get up. Let's see if they do that. मैं इतने जज्बाती तरीके से उसकी बात करी, शाजिया ने टोटल इग्नोर करके वो जो गिरी, अरे भाई उसमें बाद में आ जाएंगे, पहले मेरे जज्बात को, मतलब तो यू टॉकिंग अबाउट द एंड ना, कि वो भाग रहे होते हैं, तो मैं ये तो कह रही हूँ गिरी है. हाँ, नो, इट वाज वेरी गुड, इट वाज, आई आल्सो हैड अ टियर इन माय आई, इट वाज ब्यूटीफुली डन. मैंने कहा यू सेड दैट, बिल्कुल फोर्स चीजें आ रही है, मतलब गिरनी का कहां से आ गया, तो लास्ट का है उस, वो तो अभी लास्ट में होगा ना, वो भाई टॉकिंग अबाउट मेन पार्ट था, वो इतना खूबसूरत पार्ट था. ओके, आप लोग सब छोड़, मैं बात करूं. Nadeem saab, thank you so much for beautifully directing that piece, and like, you know, you gave us such good memories and itna uplift kiya, and Zeb, you did an amazing job singing that, because unki awaaz mein jo haunting hai na, jo wo jo aapko ja ke touch karti hai, it was just beautiful. main to abhi tak usi pe tha, ab aap aa jayenge girne pe, kaun girega. Because I said you've already said all that. अब क्योंकि तुमने कह दिया है, मैं उसको repeat करूँगी, और बहुत खूबसूरत अल्फाजों में आपने वो बात बयान की. नहीं करना, आप बोले मेरा भी यही था. उसको नहीं कर सकती शाजी, उसको तो टॉप नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो आप कह चुकी है, तो मैंने कहा चलो अब आगे बढ़ो, दूसरी बात करो. It was, and I have to give credit to the director for doing that in a manner that it completely. ये छोटी छोटी बातें होती हैं which make us feel, and I love the way the light sidedness and the heavy sidedness is combined, not the heavy but the poignant moments are combined together.
to bring us since yahan. But yes, I want to see ke Majabin ke paas kaun jayega. Majabin giri hai. Kaun jayega unko help karne ke liye? I don't know. I never thought about that. I was. I would like to see kaun is ka Parivesh hai na, her roommate. Parivesh. That is what they will show the journey of the girls to learn to support together. आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन आप शायद support नहीं कर रहे हो अपने आसपास and that's what. Army spirit is all about maybe. I just want to say कि मुझे ख्याल आया जब मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा journey है from सिंफ़े नाज़ुक to सिंफ़े आहन. तो मैं जब ये देख रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि I think हर औरत सिंफ़े आहन अंदर होती है. सिर्फ उसको ना सफाई करके पर्दा हटाना होता है. जैसे पॉलिश नहीं करते तो अंदर से चमकती भी चीज आती है. So for me, like you know, it's just covering the strength of women, not creating strength in my mind. I don't know, मैं ऐसी ramble कर रही हूँ. चले. I feel कि हर औरत सिंफ़े आहन है लेकिन हमें पता होता है लेकिन और लोग जो है वो हमें realize नहीं कराते. So I think it's more about letting other people know that a woman goes through a lot and she takes on a lot and she actually supports a lot of things around her. So we all have to realize that. And इसलिए शायद हम अपने आप को वो credit नहीं देते क्योंकि हमें नहीं लगता हम कोई ऐसी extraordinary बात कर रहे हैं. We just feel that this is what we do every day. So, yeah. Okay, जी, that is all from our side, I think. And हम आपसे इजाजत चाहेंगे. Comments में जरूर बताइएगा कि आपका क्या point of view है जो बिछड़ गए में. I would really like to know कि आप लोग का क्या ख्याल है कि रूमी और सोनिया में कुछ मोहब्बत है या सोनिया क्या कर रही थी. बेचारे कैप्टन फरुख तो काफी क्लियर है कि वो क्या चाह रहे हैं. एंड सिंफ आहन में डिड यू गाइज ऑल्सो फील दैट वे जब वो लास्ट की कुछ किस्तें आती हैं. संगे माह में हिलमंद आपके दिलों पे असर कर गया है या नहीं कर गया है. डू आंसर दीज क्वेश्चन एंड वी विल बी रीडिंग योर कॉमेंट्स. यस इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.